25 लाख की गाड़ी में सफेद पोश आए हैं। जूते की कीमत क्या है भाई साहब इसकी? ये गलत इस जूते की कीमत क्या है बताइए? गलत आरोप लगा रहे हैं सर ये। इस जूते की कीमत क्या है? डीएम साहब आप गलत आरोप लगा रहे हैं। इस घड़ी की कीमत क्या है? आप डीएम साहब गलत आरोप लगा रहे हैं। इस घड़ी की कीमत क्या है? ये गलत बात है भाई। डीएम साहब ये गलत चीज। ये तो रविंद्र ये गाड़ी कितने की है? कोई जानता नहीं, 1 लाख के समथिंग। 1 लाख के समथिंग है। और आपकी ये वॉच? वॉच 1.5 साल पहले ली थी, 1500 रुपये की थी। अच्छा 1500 रुपये की। जय भीम नमोद था साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब अकाउंट में जिसका नाम है बहुजन यूट्यूबर। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। तो साथियों इस वक्त एक खबर बहुत तेज़ी से चल रही है, खासकर वो बहुजन समाज में। खबर बलिया से। दरअसल पूरा मामला ये है कि बलिया में एक रामपुर करके एक जगह है, वहाँ पर शिकायत मिली थी कि जो बच्चे हैं दलित समाज के जो छात्र छात्राएं उनको अलग बैठा के खाना खिलाया जाता है। इस बात की जब उन्हें खबर मदन राम जो बसपा कोऑर्डिनेटर हैं उत्तर प्रदेश बलिया से, उनको जब इस बात की खबर लगती है और वो इस चीज़ को जानने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। अब दूसरे पार्ट में उसको समझिए कि जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको इस प्रकार की जानकारी मिल जाती है। जानकारी मिलने के बाद वो इसकी जाँच के लिए बलिया डीएम को इसकी शिकायत करते हैं। मौके पर पहुँचते हैं बलिया डीएम जब मौके पर पहुँचते हैं तो उन्हें उनकी घड़ी वॉच और तमाम उनके कपड़े और उनकी गाड़ी के बारे में बताने लगते हैं। वो बताने लगते हैं कि ये दलित हैं, मतलब यहाँ पर राजनीति करने आए। तो आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ आपको बताने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले कुछ वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। डीएम साहब को उन्हीं की भाषा में किस प्रकार से बहुजन समाज के युवाओं ने जवाब दिया है, तो सोशल मीडिया की कुछ क्लिपें देखिए। एक वीडियो वायरल हो रहा था वो आपने भी देखा है जी। तो आपको क्या लगता है कि डीएम साहब को किस तरह कौन सी भाषा में जवाब देना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से हम गांधी के हरजन नहीं है, बाबा साहब के बहुजन है। तो देखा साथियों आपने, ये हमारे एक मित्र है और ये इनकी बाइक है और इन्होंने जो अपनी मेहनत से खुद से भी ये बाइक ली है। तो बाइक दिखाने का मतलब ये नहीं कि बाइक हम सिर्फ बाइक दिखाना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं डीएम बलिया साहब कि हम गांधी के ना तो हरजन हैं ना वो दलित शोषित समाज अब नहीं है, क्योंकि अब हम अम्बेडकरवादी हैं और अब हम अम्बेडकर के बहुजन हैं। तो साहब अब आप अपनी मानसिकता बदल दीजिए। जरूरी नहीं है कि गरीबी सिर्फ विरोध करे कुछ गलत का। हमारी पार्टी बसपा पार्टी है और हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही है। और आप जैसे अधिकारी बहन मायावती के जी के पीछे लाइन लगा के खड़ा हुआ करते थे, बस अब वक्त बदलने की बात है। तो बस इंतज़ार कीजिए वक्त बदलने का। जिस दिन वक्त बदलेगा आप सब लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों इस वीडियो के माध्यम से बस एक मकसद था बताने का कि अब हम लोग दबे कुचले नहीं हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो में कमियाँ क्या रहीं, किन चीज़ों को और बेहतर किया जा सके ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो हो वो और बेहतर हो सकें। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले समय में आपको इससे अच्छी वीडियो हम दे सकें।